हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना होगा, जैसे सेट होता क्या है। सेट के अगर हम बारे में बात करें तो सेट क्या है, तो कह सकते हैं सेट एक ऐसा ग्रुप है जो डिफाइन है। क्या है? डिफाइन है। अगर हम हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समूह जो परिभाषित है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है हमारा? ए बी सी डी जो है हमारा अल्फाबेट्स है। अगर हम यहाँ पर लेना चाहें ए आई ओ यू, ये हमारा क्या है? वॉवल्स है। 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर हम आगे देखना चाहें जैसे 2 4 6 8, ये हमारा क्या है? ये हमारा इवन नंबर्स है। यानी हम कह सकते हैं एक ऐसा ग्रुप जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाष जो एक ऐसा ग्रुप जो परिभाषित हो, इसे ही क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं, रिलेशन फंक्शन सीखने से पहले हमें कुछ वर्ड क्लियर होने चाहिए। रिलेशन होता क्या है? तो रिलेशन को सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4, ए बी सी डी से करते हैं। ए बी सी डी, इससे जल्दी क्लियर होगा। सपोज मैंने माना कि वन का ए का रिलेशन वन से है, बी का रिलेशन मैंने थ्री से दे दिया, सी का रिलेशन टू से दे दिया और डी का रिलेशन मैंने फोर से दिया। ये हमने माना है कि ये एक रिलेशन है जो हमें दिया हुआ है। तो रिलेशन लिखने का तरीका क्या होता? अगर हमें रिलेशन लिखने का हमारा अगर रिलेशन लिखने का तरीका हमारा आ गया तो हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो। जैसे रिलेशन लिखने का हमारा तरीका क्या रहेगा? ए का रिलेशन किससे है? वन। बी का रिलेशन किससे है? सी का रिलेशन हमारा किससे है? और डी का रिलेशन हमारा किससे है? फोर से। क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन जो है, रिलेशन हमारा जो है जिसके साथ बना हुआ है, हमें उसी ग्रुप को उसी के साथ लिखना है। ओके, इसके आगे हम देखेंगे हमारा मेन मुद्दे का आते हैं। हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये तीनों वर्ड क्या हैं? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। देखिए ध्यान से, सपोज एक ग्रुप है एक्स, एक ग्रुप है हमारा वाई। इस ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट हैं वो है आपके 1 2 3 4, ए बी सी डी। ए का रिलेशन किससे दिया है? सपोज वन से। बी का रिलेशन किससे है? टू से। सी का रिलेशन किससे है? थ्री से। डी का रिलेशन किससे है? फोर से। तो ए का रिलेशन किससे है? वन से। बी का रिलेशन है टू से। थ्री का रिलेशन सी से। अब ये जो हमारे टोटल, देखो यहां पर ये देखना है हमें डोमेन क्या है। एक्स के जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं, टोटल एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। ओके, तो फिर रेंज क्या है? चलो रेंज को देखते हैं। अब यहां पर वाई, एक चीज का ध्यान रखना है यहां पर, दोज हु इज इन द रिलेशन, हमें ध्यान क्या रखना है? टोटल एलिमेंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन दोज हु इज इन द रिलेशन। एक्स के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में हैं आपके डोमेन कहलाते हैं,
और वाई के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में है वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। फिर से ध्यान दें, एक्स के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में है डोमेन कहलाएंगे, और वाई के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में है वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। फिर कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन को ध्यान से देखें। अब सपोज करो यहां पर 5 है और यहां पर e है, लेकिन हमने यहां पर लाइन नहीं खींची, सब इसका मींस हुआ इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो y के वो सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे जो रिलेशन में है और नहीं है। दोबारा समझे, y के वो सारे एलिमेंट्स जो रिलेशन में है भी और नहीं भी, वो सारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? ओके।